सो व्हाट्सअप गाइज, अगर आप लोग भी कुछ इस टाइप की फोटो को कुछ इस टाइप में सिंगल क्लिक में एडिट करना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी फोटो की बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हैं सिंगल क्लिक का यूज करके, साथ ही अपने बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट को ऐड करना चाहते हैं जैसे DSLR कैमरा से आता है सेम टू सेम वैसा, और अभी वीडियो के एंड में आपका भाई वो भी बताया गया कि कैसे आप अपनी फोटो को 4K अल्ट्रा HD में कन्वर्ट करेंगे जस्ट नाउ वन क्लिक में, तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो व्हाट्सअप गाइज, उस टाइप की फोटो को एडिट करने के लिए सबसे पहले रिलायंस ऐप को यहाँ से ओपन करना होगा। अगर आपके पास ये वाला ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाके इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वहां नहीं मिलता है तो मैंने इस ऐप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो वहां से भी सिंपल तरीके से डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करके जैसे ही आप लोग ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ स्टेप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। और वीडियो के ही स्टार्टिंग में मैं आप लोग के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। 110% मैं लिख के देता हूँ कि जेन्युइन जानकारी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग के सामने दो ऑप्शंस मिलेगा। सबसे पहले DSLR ब्लर का एक ऑप्शन मिलेगा और इस साइड शूटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। तो हम लोग को अपने बैकग्राउंड को ब्लर करना है और अपने नॉर्मल फोटो को 4K अल्ट्रा HD में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम अपने बैकग्राउंड को ब्लर करेंगे, तो उसके लिए सिंपल से आप लोग DSLR ब्लर के ऑप्शंस पे टैप कर दीजिएगा। टैप कर लेने के बाद आपकी गैलरी की सारी फोटोज आप लोग के सामने देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी फोटो को गाइज आपको मतलब उसकी बैकग्राउंड को ब्लर करना, उस फोटो को सिंपल तरीके से आप अपने गैलरी से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों मैं किसी भी एक फोटो को ले लेता हूँ, जैसे कि मैं इस वाली फोटो को यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ से सिंपल तरीके से मैं इस वाली फोटो को ले लूंगा, और लेने के बाद यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा वेट करना होगा, और थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा। और जैसे ही आप लोग वेट कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगी। अभी नीचे आप लोग को बहुत ही ज्यादा कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से आपका भाई ये सारी चीजें बताने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं अपर्चर के ऑप्शन पे सीधे ये खुलेगा। तो सबसे पहले जितना आपको अपने मतलब फोटो के बैकग्राउंड को ब्लर करना है, अगर मैं इसे पूरा कम कर देता हूँ तो देख सकते कोई भी ब्लर यहाँ पे ऐड नहीं है। अगर मैं जैसे जैसे इसे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे हम लोग की जो वीडियो मतलब फोटो की बैकग्राउंड है वो सिंपल तरीके से यहाँ पे ब्लर होता जाएगा। तो फिलहाल मैं इतना इसे कर लेता हूँ। देन इतना कर लेने के बाद सिंपल से यहाँ पे फ्लेयर वाले ऑप्शंस पे जाना होगा इस वाले, और यहाँ पे जाने के बाद इसकी हाईलाइट की वैल्यू हम लोग ऐसे इंक्रीज करेंगे। ऐसे पूरा आप लोग इंक्रीज करके देख लीजिएगा कहाँ पे आपका परफेक्ट आ रहा है, तो आप लोग भी ऐसे कर लीजिएगा। और नीचे विविड का एक ऑप्शन मिलेगा, तो विविड को भी ऐसे आप लोग इंक्रीज कर लीजिएगा। मैं भी फिलहाल यहाँ पे इंक्रीज कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आफ्टर बिफोर आप अपनी फोटो को देख सकते हैं कैसे हम लोग का फोटो यहाँ पे ना ब्लर हो चुका काफी सिंपल तरीके से, और सारी चीजें आपका भाई अच्छी तरीके से बता रहा है। और आगे आपका भाई ये भी बताया गया कि कैसे आप अपने नॉर्मल फोटो को 4K अल्ट्रा HD में कन्वर्ट करेंगे, तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या कीजिएगा ना, यहाँ पे फ्लेयर के बगल में एक सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो सेव वाले में आइएगा, और जो भी सेव आपको अपने बोके मतलब बोके चाहिए पीछे यहाँ पे जो बोके इफेक्ट है जो भी चाहिए वहां से इस सेव को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आप लोग को चाहिए। फिलहाल मैं ये राउंड वाला कर लेता हूँ। कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को यहाँ पे ना अपर्चर के बगल में देख सकते एक लेंस का भी ऑप्शन मिलेगा, तो लेंस वाले पे आइएगा, और जो भी लेंस यहाँ पे आप लोग को अच्छा लगे उसे आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा जो यहाँ पे कस्टम वाला यही आप लोग रहने दीजिएगा, यही काफी ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। तो सिंपल से इतना सारा काम कर लेने के बाद यहाँ पे कलर लैब के ऑप्शंस पे आप लोग को आना होगा। कलर लैब में आने के बाद यहाँ पे स्मार्ट रिटच का एक ऑप्शन मिलेगा, तो स्मार्ट रिटच के ऑप्शंस पे एक बारी ऐसे टैप कीजिएगा। टैप कर लेने के बाद देख सकते आफ्टर बिफोर आप अपनी फोटो को काफी अच्छी सी अभी हम लोग की फोटो दिख रही है। थोड़ा ऐसे हम लोग और आगे आएंगे, आगे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्ट HDR का भी एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे हम लोग ऐसे टैप कर देंगे और इसे हम लोग यहाँ से इनेबल कर देंगे। इनेबल आप लोग जैसे ही कीजिएगा अगेन यहाँ से आप लोग राइट के आइकन पे टैप कर दीजिएगा। टैप कर लेने के बाद देख सकते हैं आफ्टर बिफोर काफी ऑसम सा हम लोग का फोटो यहाँ पे मिल चुका है। तो सिंपल से जो भी काम था यहाँ पे हम लोग का खत्म हो चुका है। थोड़ा सा काम हम लोग ये करेंगे ना, यहाँ पे क्या करेंगे HSL पे जाइएगा, जाने के बाद ग्रीन कलर को लेके इसकी सिचुएशन की वैल्यू आप यहाँ से बढ़ा दीजिएगा। बढ़ा लेने के बाद येलो कलर को लेके इसकी भी सिचुएशन की वैल्यू बढ़ा दीजिएगा, ऑरेंज कलर को लेके इसकी भी सिचुएशन की वैल्यू बढ़ा के, और सिंपल तरीके से आप यहाँ पे राइट वाले आइकन पे टैप कर दीजिएगा।
टैप कर लेने के बाद आफ्टर बिफोर आप अपनी फोटो को देख सकते हैं। काफी अच्छे से हम लोग की फोटो का बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है, लेकिन आप अपनी फोटो को 4K अल्ट्रा HD में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी आपका भाई बताएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग को क्या करना होगा, ऊपर साइड में डाउनलोड के आइकन पे टैप करके अपनी फोटो को गैलरी के अंदर सेव कर लीजिएगा। यहाँ पे फोटो तो हम लोग का सेव हो चुका है। तो हो जाने के बाद 4K अल्ट्रा में फोटो को करने के लिए यहाँ पे फोटो लिव ऐप को यहाँ से ओपन करना होगा। और जैसे ही आप लोग इस वाले ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे ऊपर यहाँ पे एडिट फोटो के ऑप्शंस पे आप लोग टैप कीजिएगा। टैप कर लेने के बाद उसी फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। कर लेने के बाद नीचे साइड में आप लोग को ऐसे स्क्रॉल करके लास्ट में आना होगा। और लास्ट में गाइज आप लोग के सामने देख सकते हैं यहाँ पे एनहांस का एक ऑप्शन मिलेगा, तो एनहांस पे चले जाइएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को वेट करना होगा। और वेट कर लेने के बाद आप यहाँ पे फोटो जब देखेंगे ना, ये 4K अल्ट्रा HD में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे पहले हम लोग की फोटो कुछ इस टाइप से थी, लेकिन जब हम लोग ने 4K में कन्वर्ट किया तो कुछ इस टाइप से हम लोग की पूरी फोटो देखने को मिल जाएगी, जो देखने में काफी ओसम सा लग रहा है। तो सिंपल से ये प्रोसेस आप दो बार कर लीजिएगा। दो बार आप करेंगे ना तो आपकी पूरी फोटो बहुत ही ज्यादा HD हो जाएगी। तो यहाँ से राइट के आइकन पे टैप करके और यहाँ पे सेव वाले आइकन पे टैप करके अपनी फोटो को गैलरी के अंदर सेव कर लीजिएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।